हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौपेश शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के भाई वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर मैं करने जा रहा हूँ आंसर नंबर 1। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे और फिर आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, वी डिटरमाइन द रेशियो कि इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो भाई सबसे पहले लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ए और बी वाले जो पॉइंट है, ए के पॉइंट आपके दे रखे हैं बुक में 2, -2 दे रखा है और जो बी है वो दे रखा है भाई 3, 7। ठीक, इतना तो आपके सामने आ गया होगा। हमें रेशियो बताना है कि लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट को। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन आप लिख लीजिए 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो लाइन है ये चाहे आप डायग्राम में दिखा सकते हैं। ठीक, हाँ, तो इसमें हमें इसका रेशियो बताना है कि जो लाइन सेगमेंट है ये डिवाइड कर रही है इस वाली लाइन सेगमेंट को ए और बी को। तो हमें रेशियो इसका कैलकुलेट करके बताना है कि भाई रेशियो इसका क्या होगा। डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 2, -2 एंड बी कोऑर्डिनेट ऑफ बी 3, 7। ठीक है, तो हमें इसका रेशियो बताना है। तो भाई हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। देखिए, इसको हम x1, y1 कह देंगे और इसको x2, y2 कह देंगे, क्योंकि हमें रेशियो बताना है। तो k रेशियो 1 को एक लेट कर लेंगे इनके बीच का रेशियो, और इस पे आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूं, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो ही को एक जो मतलब बुक में आपने लाइन लिखी हुई है कि कंसीडर द लाइन 2x + y -4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी फॉर द टू पॉइंट्स ए इज 2, -2 एंड बी इज 3, 7। तो ये आपको अंग्रेजी में लिख लेना। कैसे भी लिखेंगे, कंसीडर द लाइन, ठीक है, 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन ए बी। ठीक है, ज्वाइनिंग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये, ज्वाइनिंग बाय टू पॉइंट्स ए के आप बेटा कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 2, -2 एंड बी के आप लिख लीजिए 3, 7 इन के रेशियो 1। हमने ये लेट कर लिया है के रेशियो 1 में, ये एक ऑर्डिनरी रेशियो होता है, इसको हमने मान लिया के रेशियो 1 में। तो हमें क्या करना है, इनका रेशियो बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला और बस आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। इसे कुछ नहीं करना है, इसमें ये आपकी m1 वैल्यू है, ये आपकी m2 वैल्यू है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। बहुत बार आप यूज कर चुके हैं फॉर्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, x बराबर आप यहां पर लगा दीजिए m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। सिमिलरली y बराबर यहां लगा दीजिए m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। यहां पर से x की वैल्यू निकाली, यहां पर से y की वैल्यू निकाली। देखिए, m1 का मतलब k है, x2 की वैल्यू आप बड़े ध्यान से रखेंगे 3 हो जाएगी, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू देख लीजिए 2 है। ठीक है, और यहां पर इनका जोड़ हो जाएगा k + 1। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये 3k + 2 / मेरे भाई k + 1। ये बेटा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3k + 2 / k + 1 और सिमिलरली यहां पर मेरे भाई y की वैल्यू निकाल लीजिए। m1 की तो वैल्यू k है, y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 दे रखी है, प्लस m2 की वैल्यू तो 1 है और y1 की वैल्यू y2 एक मिनट चाहिए, क्या गड़बड़ हो गया, सॉरी। देखिए, m1 की वैल्यू तो k है, y2 की वैल्यू 7 है, सॉरी, और m2 की वैल्यू तो 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है -2 है / बेटा k + 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7k - 2 / मेरे भाई k + 1। तो ये मैंने x और ये मैंने y की वैल्यू निकाल दी। हम यहां पर लिखेंगे अगली लाइन में गिवन इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी। ठीक है, गिवन इक्वेशन थी मेरे पास 2x + y। एक बार किताब से इक्वेशन देख लेते हैं, 2x + y - 4 = 0। ठीक है, अब आप यहां पर कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे x और y की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, रेशियो खुद खुद निकल कर आ जाएगा। एक लाइन आप लिखेंगे कि पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो 2 आप ब्रैकेट में रखेंगे जो कि बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो, 3k + 2 / बेटा k + 1। मेरे भाई y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू क्या है, 7k - 2 / k + 1
और ये आपका माइनस का 4 ऐसा ही चलता चला आ रहा है। अब इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आप सॉल्व ही कर लेंगे, 6 के प्लस का 4 अपॉन में मेरे भाई के प्लस 1, ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा, 7 के माइनस का 2 अपॉन में के प्लस 1 और माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 के नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा के प्लस 1, इसे लिख लीजिए 6 के प्लस 4 प्लस का 7 के माइनस 2 और इधर इस के प्लस 1 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां डायरेक्ट लिख देते हैं 4 के माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, के प्लस 1 तो उधर जाके 0 हो गया, 7 देखिए 7 में से 4 गया ये 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 9 के, ठीक है, और 4 से 4 बेटा कट जाएगा तो 9 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 9 के बराबर 2 आ जाएगा, के बराबर बेटा 2 अपॉन 9, तो देयर फोर आर ई क्यू रेशियो मतलब रिक्वायर्ड रेशियो आपका कितना हो जाएगा बेटा 2:9 इज द करेक्ट आंसर, जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो क्या होगा 2:9 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, बाकी सेक्शन नॉर्मल तो मैं बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में करवा चुका हूं, सभी वीडियोस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप प्रत्येक वीडियो को बहुत आराम से देखिए और पूरे चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे बिना किसी देरी के, ठीक। चलो तो पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको, अब हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की, बस बोर्ड बिठा देते हैं इतना सर बैठा करिए, पहला क्वेश्चन बस समझ में आ गया होगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है और जो मेरे भाई ने रिक्वायर्ड इक्वेशन जो ये दे रखी है हमने उसके अंदर क्या करा है एक्स और वाई की वैल्यू पुट करी है और सॉल्व कर दिया है बस। और सारे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ता नहीं, देखिए ऑप्शन वाली में आपको साथ ही साथ में पूरा मतलब इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको उसके अलग वीडियो बना के दी है, 7.1 की भी, 7.2 और 3 भी मैंने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, एक एक पॉइंट एक एक कंसेप्ट मैंने आपका क्लियर करा है, ठीक है। तो अब जो ये वाले एग्जाम्पल बची है इसमें भी बिल्कुल यही करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए भाई आंसर नंबर 2 देखो बेटा, हमें बताना है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई का रिलेशन बताना है कि इफ द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई 1.2 एंड 7.0 आर कोलिनियर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां पे कोलिनियरिटी कंडीशंस होती है, पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होते हैं, वहां पर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा 0 के बराबर होता है। अब हम आपको अभी एक मिनट में बता देते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, मान लीजिए एक लाइन है, इसमें एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसके मतलब ऐसे पॉइंट्स जो कि लाई करते हैं सेम लाइन पर उन्हें हम क्या कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 0 के बराबर होता है, यही हम लोगों को अंग्रेजी में लिखना है, यहां पर कैसे लिखेंगे कि इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम मस्ट बी 0, ठीक है बेटा। यही जो मैंने आपको हिंदी बात बताई इसी को मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, एक बार फिर से पढ़ के समझाते हैं कि इफ यदि द गिवन पॉजिटिव द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम मस्ट बी 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां पर क्या होगा 0 का मतलब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, तीन पॉइंट हम लोग को दे रखे हैं, जो वैल्यू आएगी उसको 0 बराबर इक्वेट कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारे ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, अभी मैंने आपको बोले थे कौन से x, y दे रखा है हम लोग को, लेट कर दिए 1.2 और c जो है वो दे रखा है 7.0, हम मान लेते हैं बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, जो कि हम लोग से क्वेश्चन में कह रखा है, मैंने अपने पास से इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे ए बी और सी, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3, इनको हम लोग लिख के फॉर्मूला लगा देंगे, ये बेटा आपकी वैल्यू हो जाएगी x1 y1, ये वैल्यू हो जाएगी x2 y2, ये वैल्यू हो जाएगी x3 y3, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर, एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था इसे कैसे याद करते हैं, हाफ
स्क्वायर ब्रैकेट 123, 231 और 312 कैसे 123 ठीक है प्लस 231 ठीक है प्लस 312 ठीक है। तो आप यहां पर से लगा दीजिए बेटे हाफ जो वैल्यूज हैं वो रख दीजिए। देखिए x1 की वैल्यू बस आप रख दीजिए, x1 की वैल्यू क्या है बेटा x है ठीक, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू कितनी है 2 है और y3 की वैल्यू कितनी है 0। बहुत बेटा आराम से देखिएगा करिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें हो गई तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। प्लस x2 की मेरे पास वैल्यू रखिए, x2 की वैल्यू कितनी है प्लस 1 मेरे हिसाब से है और y3, y3 की वैल्यू फिर से यहां पर 0 है माइनस y1, y1 की तो y है तो लिख लीजिए यहां पर प्लस x3 देखिए कितना है x3 बेटा 7 है, y1 कितना है y है और माइनस 2। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए हाफ, ये बेटा हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस का 7 बाय माइनस का 14 ठीक। तो इसे आप चाहे कैलकुलेट कर लीजिए, इसे देखिए ये कितना हो जाएगा बराबर एरिया कितना निकल के आ रहा है हाफ ठीक है 2x प्लस 6y माइनस 14 ठीक है। तो आप यहां पर क्या करिए 2 बेटा कॉमन ले लीजिए तो अंदर ये बचेगा x प्लस का 3y माइनस का 7 क्योंकि 2 7 का बेटा 14 होता है, इसे 7 को सही से लिख देता हूं मैं जिससे आपको कोई भी किसी तरह की बच्चों प्रॉब्लम ना हो। तो ये x प्लस 3y माइनस 7 ये बेटा आपकी वैल्यू निकल के आ रही है ठीक है। और हमें पता है कि सिंस एबीसी पॉइंट्स हमारे क्या है कोलिनियर होंगे इसलिए हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो देयरफॉर तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा x plus 3y minus 7 equal to 0, तो ये हमारा एरिया आ गया है। आप अगर चाहें तो यहां पर भी बता सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो इक्वल टू में 0 के बराबर होगा, तो आप यहां पर भी आंसर अपना खत्म कर सकते हैं। मेरा काम है आपको सब कुछ बताना बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बताना, और मैं सिर्फ आंसर तो बताते बताता हूं साथ ही साथ आपको पेपर में अपने कैसे लिखना जिससे आपका टीचर बिल्कुल क्वेश्चन देखेगा तुरंत बेटा खुश हो जाएगा कि हाँ हमारे बच्चे ने कायदे से सॉल्व करा है और वो आपको चेक में पूरे मार्क्स दे देगा। और यही हमें चाहिए है आंसर भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से आ जाए और साथ ही साथ इंप्रेशन भी हमारा अच्छा बना रहे। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की ठीक है। बस आप 2 मिनट का टाइम दीजिए फटाफट बोर्ड को मिटा दें, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन जैसे आपको मैंने बिल्कुल सवाल तरीके बहुत अच्छे से बताए हैं तीसरा चौथा भी मैं बताने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा ठीक है। चलो भाई बस आप 1-2 मिनट का वेट करें बस बोर्ड साफ हो जाए। जो फिशर से इसलिए रिलेशन पूछा गया था ना सेकंड वाले में तो जो इक्वेशन आई थी कोई हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था, तो आप चाहे और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ऐसे लिख सकते हैं तो और बढ़िया है। समझाने के लिए ठीक चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट, हमें सेंटर बताना है सर्किल का ठीक है। मतलब हमें अगर वो मतलब वो इज द सेंटर ऑफ द सर्किल होता है तो अगर उसके हमें सेंटर पॉइंट पता लग जाए मतलब ओ के पता लग जाए तो यही हमें वहां पर आंसर हमारा कंप्लीट होगा। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -8, -3, -7, and 3, 3 तो जो हम लोग को दे रखा है उसी को हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं कि लेट, ये हमें कितना दे रखा था बेटा 6, -6 ठीक है। बी हम लोगों को क्या दे रखा था 3, -7 एंड सी हम लोगों को बेटा दे रखा है 3, 3 बी दी पॉइंट ऑन अ सर्किल ठीक है। और यदि हम ओ इज द सेंटर, अगर बेटा देखो सेंटर को तो ओ से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है, तो तब क्या होगा तो ओ ए और ओ बी भी बराबर होंगे और ओ सी भी आपस में बराबर होंगे ठीक है। ये ऑब्वियसली बात है, आपको 100% पता होगा कि लेट ए दिस बी दिस सी दिस बी द पॉइंट्स ऑन अ सर्किल और ओ जो है वो आपको पता है किसी सेंटर से मान लीजिए सर्किल है तो इसका सेंटर जो है ये है सेंटर ठीक है। तो इससे ओ को हमने ये सेंटर दे दिया ठीक है। तो इसमें जो है OA, OB और OC इस कंडीशन में क्या होंगे भाई आपस में
बराबर होंगे। ठीक, तो OA की भी कोई डिस्टेंस होगी, फिर भाई सीधी सीधी बात है, मान लीजिए ये A यहां पर है, B मान लीजिए यहां पर है, C मान लीजिए यहां पर है, तो O की बेटा O की देखिए, O की A से भी कुछ डिस्टेंस होगी, O की B से भी कुछ डिस्टेंस होगी, O की C से भी डिस्टेंस होगी, यही कंसेप्ट बचा है इसमें। तो OA, OB और OC, ये आप तीनों डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, OA बराबर OB की वैल्यू इक्वेट कर दीजिएगा, OB बराबर OC की इक्वेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम अगर बात करेंगे OA निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला OA बराबर आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक, तो डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस सिक्स होल स्क्वायर, और देखिए प्लस वाई, और माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, तो ये आपका ये आ गया। ठीक, सिमिलरली ओबी, ओबी की वैल्यू भी आप बेटा ऐसे निकाल लीजिए ओबी की, ठीक है, तो एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई, और ये माइनस सेवन है ना, तो माइनस माइनस प्लस सेवन का होल स्क्वायर को, और ओसी बराबर आप निकाल लीजिए मेरे भाई एक्स माइनस थ्री का मेरे बेटे होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा यही तो होता है, डी बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इसी से ही तो हमने बेटा निकाला है ये, ठीक है, हाँ ठीक है। तो बस अब हम क्या करेंगे, हम पहले OA को OB के बराबर लगाएंगे, उससे एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, फिर OB और OC की वैल्यू निकालेंगे, उससे इक्वेशन मिलेगी, x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे, खत्म कर देंगे सिस्टम, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे OA जो है वो OB के बराबर होगा, अभी देखिए OA, OB और OC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक, तो उनका स्क्वायर भी बेटा आपस में बराबर हो जाएगा, क्यों नहीं, ठीक। तो फिर आप क्या करें, यहां पर जो OA की वैल्यू है x माइनस सिक्स का मेरे वैल्यू होल स्क्वायर प्लस y प्लस सिक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस y प्लस सेवन का होल ऑफ स्क्वायर, ये बेटा आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। अब इनको देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेवन टू या फोर्टीन वाई, ठीक। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर से मेरे हिसाब से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ठीक है, ये जो बचा है भाई पहले से ये लिखिए माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस का थर्टी सिक्स प्लस का ट्वेल्व वाई, उसके बाद आपको जो इधर बचा है वो भाई लिख लीजिए प्लस फोर्टी नाइन प्लस का फोर्टीन वाई, ठीक। यहां से आप देख लीजिए सिक्स ये सेवेंटी टू हो जाएगा, ये आपका माइनस का ट्वेल्व एक्स होगा, ये आपका प्लस का ट्वेल्व वाई होगा, यहां पर आप सॉल्व कर लीजिए माइनस का सिक्स एक्स प्लस का फोर्टीन वाई, और ये फोर्टी नाइन और टेन बेटा फिफ्टी नाइन होता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा फिफ्टी एट आ जाएगा, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए ट्वेल्व सेवेंटी टू ट्वेल्व एक्स प्लस का ट्वेल्व वाई प्लस का सिक्स एक्स माइनस का फोर्टीन वाई और वाई माइनस का फिफ्टी विच इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए माइनस बारह और छह ये कितना होगा बेटा माइनस का सिक्स एक्स, ठीक है, यही तो बचेगा इसमें, और ये कितना बचेगा ये देखिए ये कितना था यहां पर मेरे हिसाब से माइनस का ये देखिए सेवनटीन ये ट्वेल्व वाई प्लस का सिक्स एक्स ये फोर्टीन है शायद से हैं, ये तो है फोर्टीन वाई, हाँ तो ये बेटा माइनस का सिक्स एक्स बचेगा, एक आपका बचेगा ये माइनस का होगा, हाँ प्लस का ये सिक्स एक्स और ये माइनस का, यहां पर देखिए माइनस का फोर्टीन वाई और प्लस का ट्वेल्व वाई, तो ये माइनस का टू वाई बचेगा, और बहत्तर बेटा बड़ा है और अट्ठावन कितना है बेटा छोटा है, तो ये कितना बचेगा प्लस का फोर्टीन बचेगा इक्वल टू जीरो। अब हमें ये सिखाया जाता है कि पहले जो नंबर होता है उसको हम माइनस में नहीं रखते, तो इसे जो है आप इसे सिक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा टू वाई हो जाएगा, माइनस का फोर्टीन हो जाएगा, माइनस का सिक्स एक्स बराबर टू वाई माइनस फोर्टीन, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे पूरे को माइनस से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस सिक्स एक्स बराबर टू वाई माइनस फोर्टीन, इसे हम पहले इक्वेशन कह देंगे, रहने दीजिए इसी ऐसे ही रखिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस सिक्स एक्स बराबर टू वाई माइनस फोर्टीन। अब हमने बेटा क्या करा था कि OA बराबर OB लगाया था, अब हम लगाएंगे बेटा दिस क्वांटिटी के बराबर OB बराबर OC, जिससे कि एक इक्वेशन ये आई है, और देखिए जब हम दूसरी इक्वेशन लगाएंगे तब हम लोगों को जो भी प्राप्त होगा तो उस हिसाब से हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई OB और OC को आपस में क्या करेंगे बराबर करेंगे, ये मैं क्वेश्चन लिखा नहीं देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हैं नोट तो कर ही रहे होंगे मेरा जानना है, ठीक है। अब इसको फटाफट क्वेश्चन को लगाते हैं, OA हो गया है, अब OA बराबर OB और OB और OB बराबर OC, ठीक। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि भाई OB जो है वो OC के बराबर होगा, सिमिलरली इनका जो स्क्वायर है वो भी आपस में मेरे भाई बराबर होगा,
तो x माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे मिटा देते हैं। ठीक, अब यहां पर आप देखिए, हमें लगता है कि x माइनस 3 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर ये तो कैंसिल यहीं पर होगा, इसका मतलब मुझे यहीं से y की वैल्यू मिल जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 7 टू जा 14y। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, अच्छी बात है, 49 प्लस 14y माइनस का 9 और प्लस का 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा 20y, क्यों 14 और 6 बेटा कितना होता है 20 होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग प्लस का 40 इक्वल टू 0, तो 20y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 40, y बराबर मेरे हिसाब से माइनस 2 आना चाहिए भाई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 आ गई, यहां पर भी वैल्यू लगा दिए 6x बराबर 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 40 माइनस 6x बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 40 माइनस 6x बराबर माइनस का 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 3 18, दो तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे 3 कॉमा माइनस 2, दिस इज द फाइनल आंसर। तो सेंटर ऑफ द सर्किल विच इज लोकेटेड एट द पॉइंट 3 कॉमा माइनस 2। ठीक है, तो 3 कॉमा माइनस 2 आपके पॉइंट लेके आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बिल्कुल लिखने का भी तरीका आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया है, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, चौथा क्वेश्चन, इसके बाद आपके चार क्वेश्चन बचेंगे, तो ये मैं पार्ट 1 कह देता हूं और चार क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में बता दूंगा। तो एक क्वेश्चन तक के लिए अपडेट और थोड़ा सा कर लीजिए, बस उतनी में आपको पूरा एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम बात करेंगे चौथे वाले क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन में अच्छे अच्छे सवाल होते हैं जिसमें जिसमें सीधा सीधा आपसे नहीं कह दिया जाता है कि बस आपको वैल्यू दे देंगे निकालिए, सीधे सीधे आपको थोड़ा सा मेहनत भी करवाई जाती है, इसलिए ऑप्शन को थोड़ा बेटा टफ माना जाता है। ठीक है, चलो अच्छा, चलो ये जो है ये हो गया है, अब हम लोग बात करेंगे इसके चौथे क्वेश्चन की, चौथा भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा चौथा वाला, बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना होगा, उसके लिए लिखना भी इसमें ज्यादा पड़े से इसमें क्या पता पड़े, इसमें एक आंसर आ रहा था उसमें स्टेप वाइज हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। इसमें ये जरूर था कि देखिए, जैसे पहले में हमने इक्वेशन बनाई, अगर फॉर एग्जांपल दूसरे में भी अगर इक्वेशन बनाते तो हमारी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाता है, इसमें दो वेरिएबल हैं, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से एक्स की वैल्यू निकालते, फिर हम वाई की वैल्यू निकालते, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, लेकिन जब हमने ओबी बराबर ओसी जब हमने रखा था तो मैंने देखा कि वहां पर एक्स वाला पहले से ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था, कट गया था, तभी मुझे सीधे सीधे वाई की वैल्यू ही मुझे क्या माइनस 2 प्राप्त हो गई, तो सीधे सीधे मैंने रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी इसमें मैंने वैल्यू लगा दी थी, तो मेरे हिसाब से प्लस की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो वही कोऑर्डिनेट्स मैंने सेंटर ऑफ द सर्किल को लोकेटेड होंगे बाय द गिवन पॉइंट पे, जो पॉइंट था वो भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया था। ठीक है, तो अब चौथा सवाल, ठीक है, चौथा में क्या कहना है, टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, की हमें एक स्क्वायर दे रखा है उसकी अपोजिट वर्टिसेस दे रखी है, मतलब अगर कोई स्क्वायर हम बनाएंगे तो ए और सी पॉइंट हमें वर्टिसेस दे रखी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, मतलब बी और डी के हमें वर्टिसेस को बताना होगा। देखिए अब हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं, जैसे हमने बेटा स्क्वायर ये मान बड़ा सा बना दिया, ठीक भाई, जिसमें हमें ए बी सी और डी हमने ये डायग्राम मेरे भाई कह दिए, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने ओ मान लिया, ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट ये रखे माइनस 1 कॉमा 2 ए बी सी, सी इधर करिए और डी यहां पर, और ये इसके 3 कॉमा 2, अब हम एक बार फिर से आपको पढ़ के समझा देते हैं जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, एक बेटा एबीसी के हमारे स्क्वायर, इसकी दो अपोजिट वर्टिसेस हमें दे रखी हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, मतलब बी और डी का हमसे पूछा गया है। ठीक, तो हम इसमें जो मैंने अभी बोला था उसी को मुझे इंग्लिश में लिखना है, एक बार बेटा लिख लीजिए कि लेट एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी इज अ स्क्वायर वेयर पॉइंट ए जो है वो माइनस 1 कॉमा 2 है, एंड जो बी है वो क्या है भाई 3 कॉमा 2 एंड
पॉइंट ओ इज द या बी द इंटरसेक्शन ऑफ एसी एंड बीडी रिस्पेक्टिवली, इंटरसेक्शन ऑफ द एसी एंड इंटरसेक्शन ऑफ बीडी। तो ये जो मैंने लिखा है इसका मैंने समझा दिया, और हमें अब ये भी लिख देते हैं कि आप फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी एंड डी। मतलब बी और डी के हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। आप देखिए सबसे पहले ए और सी हम लोगों को इसकी डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि ए पॉइंट बी है, सी पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, इनको हम साइज की बात है भाई, ए ये है ये और सी है, आपको भी खुद पता लग जाएगा कि इनके हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो इनके डिस्टेंस आप लगा दीजिए, ए सी बराबर डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बेटा एक्स वन वाई वन, इसे आप बेटा कह दीजिए एक्स टू और वाई टू। तो प्लीज आप निकाल लीजिए इसको, ठीक है, मतलब थ्री प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बेटा मेरे हिसाब से शायद से टू माइनस टू होल स्क्वायर, ये तो जीरो ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, ये थ्री प्लस वन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है, तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, फोर आ जाएगी। यहां पर से मैंने क्या करा है, एसी की वैल्यू फोर निकाल ली है। ठीक, तो इस एसी की जो वैल्यू है वो बेटा कितनी है, फोर है। तो अब हमें ए के ओ के कोऑर्डिनेट्स अब हमें मिल जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। ठीक, ठीक है बेटा, ओ के अब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, जैसे मिड पॉइंट लगा के, जैसे हमने एसी डिस्टेंस निकाल ली थी, इसके हम मिड पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ओ में हम ऐसे करके क्या लिखेंगे कि एक्स बराबर बेटा होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, सिमिलरली वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। सबसे पहले हमने क्या करा, देखो भाई ध्यान से बच्चों, एसी की सबसे पहले मैंने डिस्टेंस निकाली, अब हमें ओ के भी तो पॉइंट चाहिए होंगे, तो ओ बेटा किससे निकल आएगा, मिड पॉइंट से निकल आएगा। ठीक है, तो अब लगा दीजिए इसमें थ्री थ्री माइनस वन अपॉइंट टू, ये देखिए थ्री और ये माइनस वन है, और वाई बराबर आप देख लीजिए टू प्लस टू अपॉइंट टू, तो ये कितना हो जाएगा, टू अपॉइंट टू वन हो जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टू, तो जो ओ के जो पॉइंट है वो कितने आ जाएंगे मेरे भाई, वन कॉमा टू आ जाएंगे। जाहिर सी बात है अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, अब हमें डिस्टेंस पता लग गई, ठीक, हमें सेंटर पता लग गया, ओ जो उसके ओ के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, लेकिन अभी तक हमने ये देखा है कि हमें अभी तक साइड नहीं पता लग पाई, स्क्वायर की बेटा साइड होती है ना, तो वो हमें नहीं पता लग पाई। अब हम बात करेंगे साइड, हम मान लेंगे कि लेट जो है लेट ए बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, हम मान लेंगे कि ए एक साइड है, ठीक, साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक, एंड जो ए सी है वो फोर है, कैसे फोर आई थी मैंने आपको निकाल के बताइए। तो अगर हम बात करेंगे फ्रॉम द राइट ट्राइंगल एसीडी में, ठीक है, एसीडी की अगर बात करेंगे, ये ए सी डी ये वाला जो राइट ट्राइंगल है, अगर इसमें ए की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस से, ठीक है, तो वो कितनी आएगी, बाय पीवाईडी थ्योरम से, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सब चीज गिवन है, तो ए की वैल्यू क्या जाएगी, टू रूट टू, मतलब जो हमारी ईच साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी भाई, टू रूट टू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, टू रूट टू हो जाएगी। मैंने पाइथागोरस से निकाला है, ठीक है, ऐसे करके ए सी डी, तो ये मैंने टू रूट टू जो है इसकी प्रत्येक साइड मैंने सबकी निकाल ली है। ठीक, तो अब देखो, अब सब कुछ हो गया, अब थोड़ा दो तीन स्टेप बचे, इसके बाद आपका क्या है आंसर है। अब हम इनकी लेंथ को इक्वेट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, सबसे पहले एडी फिर डीसी, पहले एडी और डीसी की लेंथ को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक, एडी में हम लगाएंगे वाई का डिस्टेंस फॉर्मूला, डीसी में हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, वहां से हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो हम जो भी मैंने बताया था किसी को मुझे करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले जो अब जो बचा हुआ है इसे हम मिटा देते हैं। ठीक, ये भी इसे भी एक्स वन वाई में लिखा रहने देते हैं, ये भी हो गया, इधर हम अभी लिखा रहने देते हैं, इधर नहीं मिटाते हैं, क्योंकि इधर अभी लिखा है, हो सकता है हम लोग नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, डिस्टेंस निकाल ली, ओके पॉइंट निकाल लिए, साइड निकाल ली। अब यह जो इनकी जो मतलब सारे मतलब साइड्स क्या होती है बेटा, बराबर होती है, तो हम इनकी लेंथ को इक्वेट करेंगे एडी और डीसी को पहले। ठीक, उसके बाद जो स्टेप होगा वो हम बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है भाई, तो इसीलिए हम आपको स्टेप वाइज से बताएंगे, जो कि यहाँ बिल्कुल मतलब रट सा जाए ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम लिखेंगे कि इक्वेट द लेंथ मेजर्स, ठीक लिखेंगे हम यहाँ पे कि इक्वेट द लेंथ मेजर्स, लेंथ मेजर होती है, ठीक है, मेजर्स ऑफ एडी एंड सीडी। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के हम मान लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एक्स वन कॉमा वाई वन। देखो बेटा, हमें ए के तो कोऑर्डिनेट्स पता है,
सी के भी हमें बेटा मालूम है लेकिन हमें डी के मालूम नहीं, लेकिन हमें लेंथ तो इक्वल करनी पड़ी क्योंकि वाई स्क्वायर है हमारा मतलब है देख बहुत अच्छा ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक सारी बहुत बढ़िया होती क्योंकि सारे साइड बराबर होते हैं, डायगोनल बेटा बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो ये इसमें क्या करेंगे तो डी के बेटा इसमें डी पॉइंट डाल रहा है तो डी के मेरे भाई एक एक्स वन कॉमा वाई वन कह देंगे भाई ठीक है। अब देखो तो एडी बराबर आपका ये क्या हो जाएगा एडी, हम सबसे पहले इसकी इसकी बात करेंगे ना मतलब वो लगाएंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वन और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस वन होल ऑफ स्क्वायर ठीक है और प्लस वाई वन माइनस का टू होल स्क्वायर ठीक भाई। तो यहां पर हम इसको स्क्वायर में लिख दीजिए रूट हटा दीजिए एक्स वन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस का टू होल ऑफ स्क्वायर ठीक। अब आप बेटा सीडी सीडी निकाल लीजिए सीडी स्क्वायर ठीक, सीडी का क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस टू होल ऑफ स्क्वायर। देखिए हमने इसमें भी लगा दिया पहले ठीक है, इसमें इसके बाद डीसी में लगा दिया सीडी में लगा दिया तो डिस्टेंस फॉर्म में से ही ये आ गया है। अब हमें अभी मैंने आपके एक मिनट पहले क्या कहा था कि सिंस ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल ठीक है, तो हम किसी लिए देयरफॉर एडी स्क्वायर बाई बराबर होगा सीडी स्क्वायर। यही बस मैं कहना चाहता था कि एडी स्क्वायर और जो सीडी स्क्वायर क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, इन दोनों वैल्यू को आप क्या करिए बराबर रख दीजिए तो हमें यहां पर मतलब जो वैल्यूज है वो निकल कर आ जाएंगे ठीक। तो अब हम इसे मिटा देते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा 100% ठीक। चलो चलो भैया फटाफट से इसको आगे करते हैं। हाँ तो ये आपका हो जाएगा एक्स वन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस टू होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक मिनट हाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे एक्स वन माइनस का थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस का टू होल ऑफ स्क्वायर। इसे बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बस यही लगाना है इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टू टू या फोर बाई वन ठीक है। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स वन और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू टू या फोर बाई वन ठीक। हाँ यार रुक जाओ भाई क्या ही कर रहे हैं एक मिनट को, ये तो कैंसिल हो गया ना भाई वाला, आपको दिक्कत ही नहीं है भाई ना बेटा, आपने अगर ये लिख दिया कोई बात नहीं, स्टेप अगर आपने नोट कर लिया कोई दिक्कत नहीं, देखिए वाई वन और वाई वन तो कैंसिल है तो सिर्फ एक्स को लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एक्स वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स वन, थ्री टू सिक्स एक्स वन स्क्वायर से एक्स वन स्क्वायर बेटा कट गया ठीक है, टू एक्स वन प्लस वन इन्हें उधर ले आइए माइनस का नाइन प्लस का सिक्स एक्स वन इक्वल टू जीरो, ये कितना हो जाएगा सिक्स और ये एट एक्स वन माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो एट एक्स वन बराबर एट, एक्स वन बराबर एट अपॉन एट, एक्स वन की वैल्यू वन आ गई ठीक है, एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई भाई वन आ गई। यहां पर आप सी डी स्क्वायर उतारिए, सी डी स्क्वायर कितना दे रखा है एक्स वन माइनस का थ्री होल स्क्वायर प्लस ये कितना दे रखा है वाई वन माइनस का टू होल ऑफ स्क्वायर ठीक। ये बेटा ए बी बी सी सी डी डी ये सब क्या है साइड्स है, और साइड्स मैंने अभी कितनी निकाली थी बेटा टू रूट टू होल ऑफ स्क्वायर, याद करो अभी मैंने टू रूट टू पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकाल के बताया कि वो आपको यहाँ पुट करना है एक्स की वैल्यू पुट करिए वन माइनस थ्री होल स्क्वायर मेरे भाई और वाई वन माइनस का टू होल ऑफ स्क्वायर। ये बेटा ऐसे सॉल्व होगा टू का स्क्वायर कितना होता है फोर और रूट टू का स्क्वायर कितना होता है टू होता है, तो फोर इंटू टू बराबर ये कितना हो जाएगा टू का स्क्वायर और ये वाई वन माइनस टू होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा एट बराबर फोर, ये इसे आप चाहे सॉल्व कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का फोर बाई वन ठीक है। तो ये देखिए फोर प्लस फोर कितना होता है एट होता है, इससे कैंसिल हो जाएगा ठीक है, तो वाई वन स्क्वायर बराबर माइनस फोर बाई वन इक्वल टू जीरो, वाई वन स्क्वायर बराबर फोर बाई वन, एक बाई वन से एक बाई वन कट गया तो वाई वन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा फोर आ गई और एक्स वन की वैल्यू कितनी आई थी अभी एक्स वन की वैल्यू कितनी आई थी वन आई थी तो ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे डी की हम बात कर रहे थे ना, तो डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे बेटा वन कॉमा फोर, अब हमें डी के पता लगते हैं बारी है बी की, तो इसके जो डी के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा वो कितने आ जाएंगे मेरे भाई वन कॉमा फोर आ जाएंगे ठीक है। तो यही मुझे लिखना था, अब हम उसमें बात करेंगे ये, अब हम बी वाले की बात करेंगे, अब देखो बी के आ गए हैं मैंने आपको सामने लिख के बता दिया, अब बी की बात करेंगे बस दो तीन स्टेप और बचे हैं फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट ठीक, ये हो गया है अब इसे हम पूरा ही मिटा देते हैं।
ठीक है। अब हम एक नाइन सेगमेंट आपको दिख रही होगी, उसमें हम बात करेंगे बस, फिर फटाफट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर उसमें हम सॉल्व कर लेंगे बस। ये भी मिटाई देते हैं और क्या, मतलब फोरिया लिखा रहने दीजिए अभी। ठीक, अब हम बात करेंगे एक लाइन सेगमेंट आपको दिख रही होगी बीओडी, फ्रॉम लाइन सेगमेंट बीओडी, इसी से इसी को यूज कर लेंगे आराम से आ जाएगा बीओडी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, बाय यूजिंग या यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। ठीक है, ठीक है, तो ओ के कोऑर्डिनेट बेटा कितने आए थे अभी मैंने आपको निकाल के बताया था। तो मैं देखिए, अब हमें ए के तो पहले से पता था, सी के पता था, डी के भी पता था, हमें बी के चाहिए ना, तो बी ओ डी एक लाइन सेगमेंट आपको दिख रही होगी। ओ के मैंने आपको अभी से बता देता हूं 1.2 है। ठीक, तो इसी ओ के कोऑर्डिनेट को यूज करके हम बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूले का नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, फॉर बी डी। ठीक है, ये जो है वो एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी। देखिए ओ मतलब क्या यहाँ लिखा है, 1.2 लिखा है, इसका मतलब ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स टू प्लस का 1/2। सिमिलरली अगर हम वाई की बात करें तो 2 बराबर y2 प्लस का 4/2। देखिए कुछ नहीं करा है हमने। ठीक है, ये जो 1 है ये जो इसके कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे एक्स बराबर, ठीक है, और ये एक्स टू की वैल्यू हमने यहां पर लिखी है। ठीक, और ये जो है ये y की वैल्यू है, ये देखिए, ठीक है, ये y की वैल्यू है 4। ये जो मैंने निकाली थी यहाँ पर 1.4 जो डी के कोऑर्डिनेट्स आए थे अभी मैंने मिटाए नहीं है इनको। ठीक है, y2, ठीक है, तो h2 प्लस 1/y2 प्लस 4 यहां पर से आप इसको निकाल लीजिए, तो ये 2 बराबर कितना हो जाएगा h2 प्लस 1, तो h2 बराबर कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 1 आ जाना चाहिए h2। ठीक है, और यहां देख लीजिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बराबर y2 प्लस 4, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 y2 की वैल्यू 0, इसका मतलब 1.0 जो है आपके d के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 10। ठीक है, और जो d के कोऑर्डिनेट्स है वो कितने आ जाएंगे 1.4। ठीक है, क्योंकि भाई जब हम जब सीधे ही सीधे आंसर निकल रहा है, जब बी और डी में ही हम लोगों को देखो भाई बी के पता नहीं ओ और डी के तो पता है, इसी में सीधे सीधे मिड पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, सीधे सीधे आपका आ जाएगा बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो भाई 8 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, मैंने 4 आपको 50% एक्सरसाइज आपको मैंने कंप्लीट करा दी है। अब जो आपके 4 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैंने आपको 4 अपना बेस्ट दिया है इसमें, और उसी के साथ नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत विनम्रता से सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज स्टूडेंट मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, जय श्री राम।